लो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन ईसीसी टी20 लीग का ग्रुप सी का मैच नंबर 1 होगा, जो खेला जाएगा फिनलैंड वर्सेस बेल्जियम के बीच में। और मुकाबला जो है स्टार्ट होगा 3:15 पर, और मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा। सबसे जरूरी चीज क्या है, देखो इस मैच में बैटिंग ऑर्डर और लास्ट मोमेंट अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी, और टॉस पे भी मुकाबला डिपेंड करेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, 74 मुकाबले हुए हैं, 36 जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 37 में चेज हुआ है। एवरेज स्कोर 110 से 150 के बीच में यहाँ पर बनता है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं टीम फिनलैंड की। तो फिनलैंड की जो टीम है, इनकी तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन कर सकते हैं गुलाम अब्बास भट्ट, जॉर्डन ओब्रायन, फहीम नल्लेन चेरी, अमजाद सैद, निकोलस सेलोनेन, महेश तांबे, प्रवीण कुमार, अरीब कादरी, राज मोहम्मद, यहाँ से एक पैलवक कुचे और रिजवान अली। तो ये इनके टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ से मेन बॉलर कौन कौन है, तो अमजाद शेर और निकोलस सेलेनन, ये दो इनके सबसे मेन बॉलर हैं। इसके बाद में जो तीसरा बॉलर है वो है राज मोहम्मद। तो ये तीन ऐसे बॉलर हैं जो कंफर्म दो दो ओवर देंगे। इसके अलावा बाकी बॉलिंग के ऑप्शन कौन है, तो आप देखो महेश तांबे और प्रवीण कुमार हैं, और नीचे से यहाँ पर ई कूचे और रिजवान अली हैं। तो ये टोटल इनके 7 बॉलिंग के ऑप्शन है, लेकिन उसमें से ये तीन ऐसे हैं जो कि मेरे हिसाब से दो दो ओवर आपको कन्फर्म देने चाहिए। बाकी अब देख लेते हैं इनके स्टैट्स। तो गुलाम अब्बास भट्ट हैं, ओवरऑल 20 टी10 में 670 रन 39 का एवरेज है, 2024 में 4 मैच में 195 रन है। रिसेंट फॉर्म टी20 का है, 2-44-6-12-10-1 विकेट है। जॉर्डन ओब्रायन है, 2024 में 14 मैच में 510 रन 56 का एवरेज, 1 विकेट है, बढ़िया प्लेयर है, ये भी बैटिंग अच्छी करता है। फहीम नलेन चेरी है, 2023 में 12 मैच में 282 28 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म टी20 का है, 16-9 बैटिंग 17-14-44 है। अमजाद शेर एक ऑलराउंडर प्लेयर है जो कि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीजें देगा, 2024 में 6 मैच में 55 रन 6 विकेट है 12 ओवर डाल के। और रिसेंटली जो टी20 इंटरनेशनल खेल के आ रहा है वहां पर 1 विकेट 0-0 विकेट 15 1 विकेट और 25, ये इसका रिसेंट फॉर्म रहा है। नेक्स्ट जो प्लेयर है निकोलस सेलोनेन, इसके नाम 2024 में 8 मैच में 415 3 विकेट है 14 ओवर डाल के, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करता है। रिसेंटली टी20 इंटरनेशनल खेल के आ रहा है, 3 विकेट 34-1 विकेट 5-0 विकेट 22-1 विकेट, ये इसका रिसेंट फॉर्म है। महेश तांबे ये भी मेन बॉलर है, 2024 में 6 मैच में 41 रन 5 विकेट है 10 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म टी20 का है, 2 विकेट 4-0 विकेट 0-2 विकेट 1-0 विकेट है। तो यहाँ से मेन मेन प्लेयर कौन है, देखो गुलाम अब्बास भट्ट है, जॉर्डन ओब्रायन है, अमजाद शेर है, निकोलस सेलनन है, और फहीम नलेन चेरी को आप तब रखना जब इनकी टीम पहले बैटिंग करे, तब आप इसके बारे में सोच सकते हो। महेश तांबे बॉलिंग फर्स्ट में मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। प्रवीण कुमार ओवरऑल 27 टी10 में 130 12 विकेट है, और 2023 में 8 मैच में 10 रन 5 विकेट है 13 ओवर डाल के। अरीब कादरी है, 15 टी10 में 35 टी20 में 5 मैच में 19 रन है। राज मोहम्मद 40 मैच में 32 विकेट है, 2024 में 5 मैच में 4 विकेट है, ये भी मतलब पावर प्ले में ज्यादातर बॉलिंग करवाता है, तो विकेट मिलने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं इस वजह से। यहाँ से आएंगे एक पेलवे कुचे, 4 टी20 में 0 विकेट है 6 ओवर डाल के। डोमेस्टिक टी10 में अपने क्लब के लिए 10 मैच में 7 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 14-0 विकेट 0 रन है। रिजवान अली 3 टी10 में 1 विकेट है, और क्लब के लिए 8 टी20 में 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट है। तो यहाँ से सिर्फ राज मोहम्मद एक मेन बॉलर है जिसको आप टीम में रख सकते हो अगर चाहो तो। बाकी बेंच पर कौन है, तो बेंच पर है चनका जय सिंह, जिसके नाम टी20 में क्लब के लिए 102 मैच में 1356 5 विकेट है, और डोमेस्टिक टी10 में 10 मैच में 100 रन है। रिसेंट फॉर्म 18-4-12-26-2 है। लुकास रुआने हैं, करंट सीजन के अंदर 35 मैच में 1117 रन 39 का एवरेज 2 विकेट है। इनकी टीम की तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालते हैं अमजाद से राज मोहम्मद, डेथ में आते हैं निकोलस सेलोनेन, प्रवीण कुमार और राज मोहम्मद यहाँ पर डेथ के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि बेल्जियम की टीम की। बेल्जियम की जो टीम है, इनकी टीम की तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन कर सकते हैं मंशूर, यहाँ से मलंगजाई, मोहम्मद मुनीब, अली रजा, फिर यहाँ पर शेरी भट्ट, बुरान नियाज, ओमिद रहीमी, सब्वेर जकील, खालिद अहमदी, अदनान रज्जाक, सज्जाद अहमदजई और सिराज शेख। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो मेन मेन बॉलर कौन है, तो खालिद अहमदी है, यहाँ से सज्जाद अहमदजई है, अदनान रज्जाक है,
इसके अलावा बुरा नियाज है, और यहाँ से सब्बे जफिल जफिल की जखिल है ना, ये भी कभी कभी बॉलिंग करवाता है, और शहरी भट्ट भी कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग करवाता है। लेकिन चार बेलर वही है जो मैंने आपको पहले ही चार बताए ना, ये इनके मेन बॉलर्स हैं। बाकी अब देख लेते हैं इनके स्टैट्स। तो मंसूर मलंगजाई, वैसे तो देखो इसका कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, 17 T10 में 139 रन है और 2023 में 6 मैच में 22 है। लेकिन हालिया टाइम में जो 3-4 T20 इनकी टीम ने खेली है ना बेल्जियम की, वहां पर ये ओपन कर रहा था और 4 T20 में 86 रन थे। रिसेंट फॉर्म 10-15-33-28 है। तो इसका बैटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पर मेंशन रहता है ये। मोहम्मद मुनीब है, 2022 में 14 मैच में 269 विकेट है। T20 में 32 मिनट में 717 है। रिसेंट फॉर्म 6-15-54-0-54 है T20 का। अली रजा है, 2023 में 13 मैच में 401, रिसेंट फॉर्म 24-9 बैटिंग 21-0-4 है। शहरी भट्ट है, 2023 में 13 मैच में 474 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म T20 का है, 76-4-13-9-6 है। बुरहान नियाज है, इसका देखो देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे रहता है। 2023 के अंदर 19 मिनट में 179, 6 विकेट है, 20 ओवर डाल के ओवर इसके थोड़े से कट जाते हैं। रिसेंट फॉर्म बेहतर, 0 विकेट, 0-29-35 1 विकेट है। ओमित रहीमी, 2023 में 4 मैच में 30 रन, रिसेंट फॉर्म 7-12-0 है। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन है, तो यहाँ से देखो मोहम्मद मुनीब, अली रजा और शेरी भट्ट, ये तीन तो मस्ट पिक चॉइस हैं, और चौथा पिक अगर आप रखना चाहो तो बुर्रा नियाज के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट जो प्लेयर है सब्बेर जकील है, 68 T10 में इसके नाम 867 रन, मात्र 14 विकेट है। 2023 में 24 मिनट में 264, 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 42-0-4 रन, 20-0-1 3-36 है। T20 का फॉर्म बढ़िया है, लेकिन अगर नंबर 7 के करीब बैटिंग करेगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। खालिद अहमदी एक मेन बॉलर है, 42 T10 में 39 विकेट है। 2024 में 8 मैच में 8 विकेट है, पूरे 16 ओवर डाल के, और हाल फिलहाल में जो T20 खेल के आ रहा है वहां पर भी 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट ही इसका रिसेंट फॉर्म है। अदनान रज्जाक है, इसको आप पहली बॉलिंग पे रखना क्योंकि डेथ में आ जाता है कभी कभी। 2023 में 10 मिनट में 11 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट है। सज्जाद अहमद जई, 7 मिनट में 7 विकेट है, ये भी एक ट्रंप का काम करेगा, सिलेक्शन रेट कम है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट है, अच्छा फॉर्म है इसका। सिराज शेख है, 42 T10 में 409, 10 विकेट है। 2022 में 6 मैच में 110, 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट है। तो यहाँ से देखो खालिद अहमदी, अदनान रज्जाक और सज्जाद अहमद जई तीन इनके मेन बॉलर्स हैं। बाकी बेंच पर कौन है, बेंच पर है जकी शाह, जिसके नाम 2023 में 11 मैच में 11 विकेट है, 17 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 11-0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2-2 विकेट, 1 विकेट है। जबर जबर खिले, 2023 में 7 मिनट में 3 विकेट है, 10 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट है। अब देखो इनकी टीम की तरफ से यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर डालते हैं सज्जाद अहमद जई, खालिद अहमदी, डेथ में आते हैं अदनान रज्जाक और बुरहान नियाज। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा उसके अंदर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह से जाकर आप काफी आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए डेमो टीम के अंदर मैंने रखा है अली रजा को, रखा है यहाँ से फहीम नलेन चेरी को, रखा है मोहम्मद मुनीब, शेरी भट्ट, गुलाम अब्बास भट्ट, यहाँ से जॉर्डन ओब्रायन, निकोला सेलोनेन, अमजाद शेर, खली अहमदी, मोहम्मद सज्जाद अहमद जई, अदनान रज्जाक को रखा है। अदनान रज्जाक की जगह अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी ना बेल्जियम वाली, तो मैं बुरहान नियाज को रख लूंगा। कैप्टन मेरे यहाँ पर निकोला सेलोनेन, वाइस कैप्टन मोहम्मद मुनीब। बाकी फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।